अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक नई डिश के साथ। आज की वीडियो में हम बनाएंगे सूजी यानी रवा से बने कुकीज, जो बिल्कुल हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर है और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैं 1 कप सूजी ले रही हूँ, इसे हल्का भून लेंगे। आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। वन थर्ड कप मैदा लेंगे, वन थर्ड कप शुगर पाउडर, चीनी को बारीक पीस लिया है, ड्राई फ्रूट्स काजू पिस्ता बादाम इसे दरदरा पीस लिया है, 1 टेबलस्पून खसखस, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, थोड़ी सी किशमिश, 1/4 कप देसी घी, 6 से मिक्स करें। हाफ कप दूध हल्का गर्म है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, अच्छे से मिक्स करें। इसका बैटर हमें थोड़ा लूज रखना है फ्रेंड्स, सूजी फूल कर ये टाइट हो जाएगा। चलिए इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट होने रख देते हैं। 1 घंटे बाद देखें, ये अच्छे से सेट हो गया है, रवा फूल कर नरम हो गया है। ओवन को हम 10 मिनट्स प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री पर। बेकिंग ट्रे पर घी लगा लें, हाथ पर भी थोड़ा घी लगा लें और इस तरह से राउंड शेप करें। इस पर एक बादाम लगा लेते हैं फ्रेंड्स। आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। बेकिंग ट्रे पर कुकीज को थोड़ा दूर रखें क्योंकि ये फूल कर पड़ी होंगी। 180 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। कुकीज बेक हो गई है, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प है। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें, बहुत मजेदार बनेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।